वेलकम है फिर से आपका मेरा फ्रेंड्स मेरी मस्ती की पाठशाला प्रोग्राम में जो कि चल रहा है सांझा रेडियो 90.8 एफएम और यस टीवी पर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कुछ नई चीजों के बारे में नॉलेज आपके लिए लेकर आता हूं, और दोस्तों अब की बार मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूं गोवा के इतिहास के बारे में। भाई अपने समुद्री किनारों से और ढेर सारी रोमांचक जानकारियों से भरपूर गोवा पूरे विश्व में विख्यात है। क्षेत्रफल के आधार से अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ही छोटा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगर फ्रेंड्स मैं इसके किनारों की बात करूं तो यहां पर बहुत सारे बीच ऐसे हैं जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। कहते हैं दोस्तों कि 16 दिसंबर 1961 से पहले पुर्तगालियों के अधीन था। धीरे धीरे दोस्तों वहां पर मौर्य वंश की स्थापना होती चली गई। मौर्य वंश के और तुगलक वंश और ढेर सारे वंशकों ने उस पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन अपनी खूबसूरती के चलते हुए तब इन पर लास्ट में अधिकार पुर्तगालियों का हो गया। वास्को डी गामा दोस्तों इसको सबसे ज्यादा पसंद करता था। जब उसने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की, सबसे पहले वो काझीकोड केरल में आया, उसके बाद दोस्तों उसका गोवा फेवरेट बन गया। धीरे धीरे दोस्तों इसमें विकास होता चला गया। अगर मैं बात करूं यहाँ की राजधानी पणजी की तो वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ का रोमांचककारी सफर हर पर्यटक के मन को भाता है। फ्रेंड्स वहाँ पर आने वाले सभी तरह की गुफाएं, मंदिर, चर्च और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पर्यटकों की तो गोवा ही पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। गर्मियों में यहां पर होटल्स की बुकिंग नहीं मिलती। कहते हैं दोस्तों कि जून जुलाई महीने में पूरे भारत में जब भीषण गर्मी पड़ती है तब गोवा में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अभी तो सभी बीचेस बंद पड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये खुलते जा रहे हैं और गोवा अपनी रोमांचककारी जगहों के लिए और इतिहास के लिए जाना जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं यहां की फूड्स की तो सी फूड्स जो समुद्र से निकलने वाले छोटे छोटे जीव हैं यहां के फेमस हैं। हालांकि वो सेहत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर जब भी कोई पर्यटक गोवा जाता है तो इन फूड्स का आनंद जरूर लेता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं समुद्र के किनारे होने वाली पार्टियों के बारे में तो ये रात में एक रोशनी के शहर में नहाई होती है। यहां पर ढेर सारी मात्रा में पर्यटक इंजॉय करते हैं और अलग अलग चीजों के लिए भी गोवा फेमस है, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लिए। ड्राई फ्रूट्स भी दोस्तों बहुत सारी मात्रा में वहां पर पाया जाता है। वैसे तो सबका सब केरल से सप्लाई होता है, लेकिन मसालों का हब केरल के साथ साथ गोवा का भी उत्कृष्ट स्थान है। तो कैसी लगी दोस्तों गोवा के बारे में जानकारी, आप मुझे कॉल और मैसेज करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिएगा। ढेर सारी नॉलेज और ढेर सारी जानकारी के साथ फिर से हाजिर होगा आपका अपना दोस्त आरजे अमन। तब तक के लिए देखते रहिए यस टीवी और सुनते रहिए सांझा रेडियो 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज़।